Assalamu alaikum, welcome to my channel KD Vlog and welcome to my new video. और मेरे new subscribers को भी मैं अपने channel पर welcome करती हूँ. और ये आज की जो मैंने video अभी हमने अपने बाबा के साथ play कर रही थी बाहर, तो मैंने सोचा कि मैं एक जो है वो video बनाती हूँ और आप सबके साथ share करती हूँ. कि आज की मेरी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए होगी जो अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स को लेकर परेशान हैं और कि जिनके बच्चे जो हैं वो अच्छे सेंटेंस नहीं बना सकते हैं या अच्छी जो है वो उनकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा नहीं है. तो सबसे पहले तो ये कि हम रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले मैं अर्ली एज से स्टार्ट करूँगी कि जब बच्चे को हम लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जब वो लेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है कि हम उसको सॉन्ग की सूरत में जो है वो सिंग करती हैं. मदर डिफरेंट पोइम्स राइम्स घर में सिंग करती हैं बच्चों के साथ. तो इसी तरह से जी ए बी सी डी ई एफ जी जो है वो सॉन्ग सिंग किया जाता है उनके साथ और बच्चे इसी में जो है उनकी लर्निंग हो जाती है. तो ये स्टेप तो जो हो गया कि आपने उनको प्रेजेंट किया कि किस तरह से वो मतलब लेटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए और सम टाइम उसके बाद का जो स्टेप हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप उनको जो है वो या तो ऐसे कार्ड्स दिखाते हैं या पेरेंट्स जो रेगुलर रूटीन में वोकैबुलरी होती है उनकी बच्चों के साथ इस तरह से या उनकी इनरिच करते हैं कि बच्चों की अपनी लर्निंग जो होती है वो बेहतर होती जाती है. अभी स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही घर में ही जो उनकी लर्निंग होती है बेहतर जो पेरेंट्स टाइम देते हैं अपने बच्चों को. ठीक, अब फिर जब वो उनका प्री स्कूल स्टार्ट होता है, ठीक है, बच्चे रीडर्स पढ़ते हैं और रीडर्स में उनकी जो है वो वोकैबुलरी इनरिच की जाती है कि वो साउंड्स के साथ जो है वो पढ़ते हैं. एप्पल है, एलिगेटर है, बॉल, तो इस तरह से मतलब सारी वो उनकी एक लर्निंग रहती है. लेकिन हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को फोनिक्स आते हों. हर बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसकी टीचर को फोनिक्स प्रॉपर आते हों. और अगर जैसे तैसे कैसे करके भी हमारी टीचर्स ने फोनिक्स सीख ही लिए हैं तो उनको जो है वो आगे से ब्लेंडेड साउंड्स या जो है वो कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के कंपाउंड साउंड्स जो हैं वो आते हों. लेकिन मैं ये यहाँ पे हर कैटेगरी की बात नहीं कर रही, सिर्फ उस कैटेगरी की जहाँ पे पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों की रीडिंग स्किल्स को लेके. तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की रीडिंग स्किल्स नहीं हैं तो ये 2 से 3 मंथ्स जो आपके पास है, जब आपके बच्चे को स्कूल से, जब आपका बच्चा बर्डनाइज नहीं है किसी होमवर्क के लिए या किसी टेस्ट प्रेपरेशन के लिए, तो आप अपने बच्चों को घर में जो है, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि आपको ना सिर्फ एक मदर की ड्यूटीज़ निभानी होंगी बल्कि आपको एक टीचर बनकर भी जो है वो बच्चों को उनका टाइम वेस्ट होने से या बच्चों को स्पॉइल होने से बचाना होगा. तो बात यहाँ पे है रीडिंग स्किल्स की. तो रीडिंग स्किल्स के जहाँ आपको लगता है कि आपके बच्चे में कमी है तो वहीं से आप स्टेप वन से स्टार्ट कर दें. और स्टेप वन जो है वो आप जब लेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद लेटर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो है आप उनके साउंड्स बताते हैं, साउंड्स के साथ आप उन्हें वोकैबुलरी देते हैं और वोकैबुलरी के बाद जब आपका बच्चा इस बात में ट्रेंड हो जाता है तो वो डिफरेंट साउंड्स को मिला के पढ़ना शुरू करता है. आप उन्हें कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स का कॉन्सेप्ट दें, फिर कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स की जो ब्लेंडेड साउंड्स हैं उनके बारे में बताएं. हमारे क्या, चलें खैर अभी तो मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि ब्लेंडेड साउंड्स के बारे में बताएं. उसके बाद जो है आप उन्हें वर्ड्स बनाना बताएं और फिर वर्ड्स की रीडिंग किस तरह से करनी है. ये एक अच्छे खासे लेसन्स बन जाते हैं इसके ऊपर तो. लेकिन अगर पेरेंट्स की ऐसी डिमांड हुई, अगर पेरेंट्स ने मुझे, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर तो आप ऐसे लेसन्स सुनना चाहते हैं. वैसे तो मेरा एक एजुकेशनल चैनल नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि अगर जो पेरेंट्स, क्योंकि मैंने आपसे डे वन इस चीज़ को कहा था कि मैं वही चीज़ें डिस्कस करूँगी या वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं. तो मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चे क्लास में तो नेक्स्ट प्रमोट हो जाते हैं लेकिन उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं हुई होती हैं. वन क्लास में जब बच्चा जाता है उसे प्रॉपर एक ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है, क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट हो जाती है उसके. ना सिर्फ अब वो जो है वो डेज ऑफ उसे वीक याद करने पड़ते हैं स्पेलिंग्स, बल्कि उसको अब डिफरेंट जो है वो पैराग्राफ राइटिंग पे आ जाता है वो.
कॉम्प्रीहेंशंस आ जाते हैं पैराग्राफ्स उसके पास, और लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो उसके पास अब जब स्टोरीज हैं और वो राइमिंग वाले लेवल से निकल के आगे आ गया, और अब पूरी पूरी स्टोरीज हैं, चाहे वो उर्दू बुक्स की हैं चाहे वो इंग्लिश बुक्स की हैं. तो उसको उन चीज़ों को पढ़ने में जब मुश्किल होती है, तो हमें अभी इस टाइम, पेरेंट्स के पास टाइम है, अभी से ही जो है वो उनके जितने स्टेप्स या जितने लेवल उन्होंने मिस कर दिए हैं उनको जो है उन पर काम करें पेरेंट्स. और आपको इजीली, अब इंटरनेट हर किसी के पास होता है, यूट्यूब हर किसी के पास है, तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स या एजुकेशनल चैनल्स जो हैं उनको आप देखें, और बच्चों की आप खुद पहले लर्निंग करें और अपने बच्चों को साथ साथ ट्रेन करें. कि अभी ये गोल्डन टाइम है पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं रीडिंग राइटिंग के लिए. तो आज का तो रीडिंग के लिए था मेरी वीडियो, कि रीडिंग को अगर आपने इम्प्रूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. तो पहले आप, अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, अभी स्कूल नहीं जाते, तो आप उनके साथ किस तरह से अभी से आप स्टार्ट कर दें उनके साथ जो है वो डिफरेंट लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाना उनको, और जो है उसकी वोकैबुलरी जो है बच्चों को देना. तो इंशाल्लाह ताला जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी. और हमारे यहाँ बच्चों की रीडिंग क्यों नहीं इम्प्रूव हो पाती, वो मैंने तो यही चीज़ देखी है कि पेरेंट्स अक्सर, तो मदर्स आती थी ना, तो वो यही कहती थी कि जी हमें तो नहीं पता कि ये क्या साउंड्स हैं, हमें भी बता दें. तो या तो हम पेरेंट्स को जो नोट्स बना के उनकी बच्चों की डायरी में घर भेज देते हैं, या जब पेरेंट्स से मीटिंग होती है तो फिर उनको दे देते हैं. बात सिर्फ ये नहीं कि वो बच्चा पहले, आप टीचर पढ़ा रही हैं स्कूल में ए एप्पल या ए एम्बुलेंस है, तो ये बात जो है ना वो पेरेंट्स को जो है वो बताई जाती है कि जी हमारा ये तरीका कार है पढ़ाने का, और हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, आप घर में इस तरह से पढ़ा रही हैं. तो फिर मदर कहती है जी मुझे तो पता नहीं था कि ऐसे पढ़ते हैं, चलें जी आप मुझे भी साउंड सिखा दीजिए. फिर वो टीचर जो है वो उन्हें भी गाइड करती है, और सम केसेस में टीचर्स को खुद जो है वो 26 लेटर्स की 26 साउंड्स ही आती हैं, उन्हें 26 लेटर्स की 44 साउंड्स का पता ही नहीं है. और किस तरह से आप 150 डिफरेंट वेज में इन साउंड्स के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर वर्ड्स बनाना बताते हैं, ये उन टीचर्स को भी नहीं पता होता. तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जहाँ पे बच्चों की रीडिंग स्किल्स ही नहीं इम्प्रूव हो पाती, क्योंकि जिस पैटर्न को अब हमने फॉलो कर लिया है वो पैटर्न के लिए हर टीचर ट्रेन नहीं है. वैसे तो हमारे स्कूल्स को जो है वो टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन आगे से जो ब्लेंडेड साउंड्स हैं वो नहीं बताई जाती. लेकिन मैं पेरेंट्स से ये बात करी कि ये टाइम है कि आप खुद जो है वो इस चीज़ को अभी करें, पहले तो खुद अपनी लर्निंग करें और फिर अपने बच्चों को जो है वो इसके लिए रेडी करें. बहुत ज़रूरत है अगर आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं. जब आप बच्चों को अच्छे फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो फोनिक्स के साथ ये होता है कि आपके बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं और उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा हो जाता है. और फिर सिर्फ फोनिक्स तक नहीं रखना होता कि आपने ए टू जी तक तो फोनिक्स इंट्रोड्यूस करवा दी, लाइक ए ब ख ड एफ ग ई ज क ल म न ओ प क र स ट अ व ये साउंड्स हैं जो कि हमारे स्कूल्स में कॉमनली जो है वो सारे स्कूल्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जब रीडिंग हो रही होती है, ड्रिल हो रही है, तो उसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं ए या एप बी बा बोल, वो ब से ब हो जाता है और सीख. तो ना बच्चों को ये भी नहीं बताया जाता कि एक जो है वो सी की जो है वो हार्ड साउंड और जो उसकी सॉफ्ट साउंड है वो क्या है. तो सी ख भी है और सी स भी है, इन सम केसेस स सर्कल भी होता है, सी स सर्कल भी है, तो ये सॉफ्ट साउंड है. जी है तो ग इसकी हार्ड और ज इसकी सॉफ्ट साउंड है. तो ये चीज़ें जो हैं वो बताई नहीं जाती. और मतलब अगर जी ग ग्रेप्स है तो जी ज जिराफ भी है. तो इन चीज़ों को नहीं बच्चों को लेकिन कर दिया जाता है कि नहीं आप पढ़ो जी गा जिराफ जी गा जिराफ, और इस तरह से नहीं होता. बच्चों के लिए बहुत नुकसान की बात होती है.
खैर तो इन चीज़ों पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों की रीडिंग स्किल्स, मैं इन शॉर्ट करूँगी कि इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं रीडिंग स्किल्स को, तो आपको फोनिक्स पे काम करना होगा और फोनिक्स बच्चों की रीडिंग स्किल्स को, और फोनिक्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते कि ए टू जी तक आपने जो है वो फोनिक्स बस कर ली है 26 के 26, तो वो आप का बच्चा जो है वो अब रीडिंग कर सकता है। नहीं, बहुत जगह उसे आपको बताना पड़ेगा कि साइलेंट लेटर्स कहाँ है, साइलेंट लेटर्स कहाँ आते हैं, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि वोवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, कैसे टू जो है वो वोवल के साथ अगर आप कॉन्सोनेंट्स लगाएं, डबल साउंड करें, तो आप कैसे इसे पढ़ेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो बहुत एक लंबी इसमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो फिर जाके आप एक बच्चे को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं उसकी रीडिंग स्किल्स के लिए। तो मदर्स प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करें और अपने बच्चों को जो है वो रीडिंग स्किल्स के लिए ट्रेन करें और फोनिक्स जो है वो लर्न करें और बच्चों को भी सिखाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव होगी कि आप अपने बच्चों को कैसे जो है रीडिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स चाहते हैं या कुछ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उस हवाले से मैं आपको कोई ओपिनियन दे सकूं कि आप और क्या कर सकते हैं, या मैं इसकी कोई डीपली इसकी थोड़े और कोई लेसन्स बना के जो है वो आप लोगों को बताऊं, तो आप कमेंट्स में जो है वो अपनी प्लीज़ राय दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। चले जी, आमीना आ गई हैं। जी मीना, मैं तो वीडियो बंद कर रही थी तो आमना आ गई। जी जी, वॉन्ट टू से समथिंग? नो, यू आर सैड? वाई? ओ माई गॉड, आमना इज सैड। आमना, वुड यू लाइक टू टेल अस? वुड यू लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स वाई आर यू सैड आमीना? हाँ जी, क्या हुआ? वाई आर यू सैड? जी आमीना, मैं अपनी मामा की घर जाने लगी हूँ फ्रॉक पहन के। रेड जी, रेड फ्रॉक पहन के हमने अपनी फादर मामा के घर जाने लगी हैं। अच्छा, तब नाइटोरी जब हम जाएंगे यानी जब उसको खत्म होने थे। नहीं तो हम नाइट में नहीं जा सकते नानो होम, तो हम मॉर्निंग में जाएंगे। नहीं, मॉर्निंग भी नहीं आता नाना हाउस। नाइट भी आता है वो। तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को क्या बता रही हैं आप कि आप नानो होम नहीं गई इतने दिनों से? फ्रेंड्स, आप अपनी मामा के साथ नानो होम के लिए अब फ्रेंड्स ये आपको पूछ रही है कि आप अपनी मामा के साथ नानो होम गए, और क्या पूछ रही हैं आप? जी मैं गई हूँ। मैंने वीडियो बाय बाय, लाइक एंड मम्मी सब्सक्राइब कर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।